दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को फोनपे के एक न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें कि आपकी फोनपे की एप्लीकेशन में एक न्यू फीचर ऐड किया गया है जिसका नाम है दोस्तों डाटा प्रीफरेंस। अभी डाटा प्रीफरेंस का फीचर आपको क्यों दिया गया, इसका क्या यूज है, इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी एक फोनपे यूजर है तो आपने भी अपनी फोनपे की एप्लीकेशन में इस ऑप्शन को जरूर देखा होगा। तो अगर आप भी इस फोनपे के न्यू फीचर डाटा प्रीफरेंस के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको बेल आइकन पर प्रेस करना और यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी फोनपे यूजर है तो आपकी फोनपे की एप्लीकेशन में आपको डाटा प्रीफरेंस का ऑप्शन देखने को जरूर मिल रहा होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसको आपको किस तरह से यूज करना और ये फीचर आपको क्यों दिया गया है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी फोन पे की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी फोन पे की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। फोन पे की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों कि सबसे टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो प्रोफाइल पिक्चर वाला आइकन आपको देखने को मिलता है, सिंपली आपको इस पे टैप करना है। जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब आपको करना क्या है दोस्तों कि स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा आपको नीचे की साइड आ जाना है। नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक न्यू फीचर देखने को मिला डाटा प्रीफरेंस का। अगर आपके फोन पे के एप्लीकेशन में आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा तो प्ले स्टोर से सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन का यानी कि फोन पे के एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे डाटा प्रीफरेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका यूज क्या। तो दोस्तों ये एक ऐसा फीचर आपको प्रोवाइड किया गया फोन पे की तरफ से जिसमें कि आप अपनी पूरी पर्सनल डिटेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह एक ही जगह पर आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। अब मैनेज किस तरह से करेंगे तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इस ऑप्शन को डाटा प्रीफरेंस वाले को आपको ओपन करना है। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करके रख सकते हैं, इसके अलावा अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करके रख सकते हैं, प्रीफरेंस वगैरह सारी चीजें यानी कि अपनी पर्सनल जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं और यहीं से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे कि सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे एज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो चलिए मैं एड वाले बटन पर टैप करता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी एज दे देनी है कि आपकी एज कितनी है, तो चलिए मैं अपनी एज यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इस तरह से आपको एज देनी है, एज देने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो अब जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ से आपका जेंडर पूछा जाएगा, तो मेल फीमेल जो भी आप हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे टैप करना है। अब इसके बाद में आपसे पूछ रहे हैं कि आप मेरिड है, सिंगल है या अदर, तो जो कुछ भी आप है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको अगेन यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करना है। नेक्स्ट पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपके परिवार के बारे में कि आपके साथ कौन कौन रहता है, तो जो भी आपका फैमिली स्ट्रक्चर है आपको उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ से आपकी एनुअल इनकम पूछी जा रही है, तो आपकी जितनी भी एनुअल इनकम है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे जो कुछ भी आपसे डिटेल पूछी जाती है वो आपको भरते जाना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करते जाना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं अपनी सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी डिटेल यहाँ पे फिल कर ली है, जो जो इन्फॉर्मेशन इसने मेरे बारे में मांगी वो मैंने सब कुछ यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद लास्ट पेज पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और नीचे आपको कंप्लीट का बटन देखने को मिलेगा। तो जब आपने पूरी डिटेल यहाँ पे फिल कर दे तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट वाले बटन पे टैप करना है। जैसे आप कंप्लीट वाले बटन पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है सारी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो रही है, इसके बाद आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपकी शो हो जाएगी, आपकी प्रेफरेंस वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे शो हो जाती है। इस तरह से आप अपनी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल कर सकते हैं और यहीं से उसे मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें जब भी आपको कोई चेंजिंग करना हो तो चेंजिंग करने के लिए आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ऑप्शन आपने फिल किए हैं उस सबके सामने आपको यहाँ पे एक थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको सिंपली थ्री डॉट पे जाना, थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ से आप इसको एडिट वाले बटन पर टैप करके एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने फोनपे की एप्लीकेशन में डाटा प्रीफरेंस के ऑप्शन को इस तरह से यूज कर सकते हैं और अपना पूरा पर्सनल डाटा यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।